राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईके सिटी न्यूज। आगरा ताज नगरी में एक नई पहचान बनाने वाली रतन कीर्ति ने आगरा में रचा अपना एक इतिहास। रतन कीर्ति निवासी मधुनगर नगला टेकचंद पोखरा रोड गली लंबत 7 देवरी रोड की रहने वाली रतन कीर्ति के पिताजी की मृत्यु कुछ वर्ष पहले हुई है। PCS में चयनित आगरा की बिटिया रतन कीर्ति के घर लगा बधाई देने वालों का तांता। लोगों ने फूल माला पहनाकर मिठाई खिलाकर रतन कीर्ति को दी बधाई और आगरा की बेटी रतन कीर्ति ने किया अपने परिवार के साथ आगरा का भी नाम रोशन। आगरा के मधुनगर की रहने वाली बेटी रतन कीर्ति ने PCS में चयन होकर उन लोगों को आईना दिखाया है जो लोग कहते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, वह घर के कामकाज के लिए ही बनी हैं। लेकिन आज इस बेटी ने सच कर दिखाया है कि लड़कियां भी नहीं हैं लड़कों से कम। रतन ने अपनी पढ़ाई खुद नौकरी करके पूरी की है। रतन ने कई सालों तक एक प्राइवेट बैंक में नौकरी कर अपनी पढ़ाई पूरी की है। रतन का कहना है, मैं अपनी इस कामयाबी का 6 अपने परिवार को देना चाहती हूँ। सबसे ज़्यादा 6 अपने दोस्त संजय को देती हूँ, जिन्होंने मेरे हर मुश्किल वक्त पर साथ दिया और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। एग्जाम में पास होने के बाद स्थानीय लोगों ने बड़ी धूमधाम के साथ मेरा स्वागत किया और फूल माला पहनाकर मेरा सम्मान किया। मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और साथ यह भी कहती हूँ। YK सिटी न्यूज से संपाददाता योगेश कुमार की रिपोर्ट आगरा से। मैम, आपका नाम बताओ। सर, मेरा नाम रतन कीर्ति है। रतन कीर्ति जी, आपका PCS में सिलेक्शन हुआ है, पहले तो आपको सभी लोग बधाई देना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कैसा फील हो रहा है आपका PCS में सिलेक्शन हुआ है। सर, बधाइयों के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी। और सर, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ और ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे हौसलों को उड़ान मिल गई है और मैं मतलब लगातार जो है आगे बढ़ती ही चली जाऊंगी, ऐसा मुझे फील हो रहा है। PCS बनने में आप किसको श्रेय मानती हैं आप? सर, मैं अपने परिवार को और अपने माता पिता, सभी भाई बहनों को और जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मुझे खासकर नीतू गोला जो है उसने बहुत मोटिवेट किया है हमेशा आगे बढ़ने के लिए, और वंदना मेरी जो फ्रेंड है, और भी जो मेरे टीचर्स हैं कोचिंग के, उन सभी ने मुझे मतलब हमेशा मोटिवेट किया। कुछ लड़कियों को जो उनके माता पिता पढ़ने नहीं देते हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहिए आप? सर, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी बेटी को ज़रूर पढ़ाइए, आगे बढ़ने दीजिए। मैं भी बहुत साधारण पृष्ठभूमि से आती हूँ, अगर मैं कर सकती हूँ तो वो भी कर सकती हैं। वो आपका नाम रोशन करेंगी, अपने पैरों पर खड़ा होंगी, तो वो अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगी, और जब परिवार आगे बढ़ेगा तो समाज आगे बढ़ेगा और यकीनन आगे चल के देश भी मतलब तरक्की के रास्ते पर चलेगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम संध्या नेगा। मेरी छोटी बहन है रतन कीर्ति, और जो आज में लड़कियों के जो बंदिशें होती हैं उस बंदिशों को तोड़ते हुए मेरी सिस्टर ने PCS निकाला है। और मैं चाहती हूँ और भी जो आज की जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं और जो माँ बाप हैं उनके, वो ने इसी तरह से मेरी सिस्टर के तरह से आगे बढ़ाए। किन परिस्थितियों में उन्होंने एग्जाम को पास किया और किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया? देखिए, संघर्ष तो हम तो मिडिल क्लास के मतलब हैं तो संघर्ष तो किया ही है। मेरे फादर थे एक मतलब COD के अंदर एज ए बाबू, तो मेरे संघर्ष के साथ ही परिस्थितियों के साथ ये काम किया है मतलब मेरी सिस्टर ने। और एक जॉब छोड़ी भी, बैंक में थी मेरी सिस्टर, उसको छोड़ते हुए फिर तैयारी की है मेरी सिस्टर ने, उसके बाद ये निकाला है। बड़ी सिस्टर थी या छोटी थी? नहीं, मेरी छोटी सिस्टर है, घर में सबसे छोटी है।